तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल फॉर्मूला, मतलब लॉजिकल कैलकुलेशन, इस कैटेगरी के लॉजिकल फॉर्मूला। ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। तो एडवांस एक्सेल फॉर्मूला की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की प्लस माइनस जोड़ घटाव जो होता है आप एक्सेल में कैसे करते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल कंडीशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से अप्लीकेबल होते हैं हमारे इसमें, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी द टाइपिंग एरर, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर कहे जाते हैं। तो मतलब कि आपके पास अगर एक्सेल में अगर कुछ नंबर्स मैंने दिया और मुझे चेक करना है कि सारे नंबर में से कौन कौन से नंबर्स, चुप रहा, सॉरी चलो, कौन कौन से नंबर्स जो है ग्रेटर देन 50 है, तो इन सब नंबरों में कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 50 है। तो जनरली जो थोड़ी एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं वो क्या करते हैं, इसमें इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इफ का फॉर्मूला फिलहाल छोड़ दीजिए, मुझे जस्ट चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और सिलेक्ट करके हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो अगर जो जो ग्रेटर देन 50 होगा उसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा। तो हम जैसे हम प्लस को, जैसे हमने कल बताया था कि मैं इन दोनों को डायरेक्टली सम फॉर्मूले के बगैर मैं डायरेक्टली प्लस कर सकता हूँ या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकता हूँ, उसी तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर को भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल है, ये स्वतंत्र है, ये किसी के साथ कंबाइन होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे रिजल्ट ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए, अपने कोई स्लोगन में चाहिए, जैसे कि ओके, पेंडिंग, यस, नो वगैरह वगैरह। तो मुझे इस ट्रू को कन्वर्ट करना है ओके में एंड इस फॉल्स को कन्वर्ट करना है पेंडिंग में। तो उस केस में हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर यहाँ पे ओके है और यहाँ पे पेंडिंग, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि हम लोग समय बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ऐसा हुआ तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आपकी कैलकुलेशंस है दिस इज पार्ट ऑफ इफ, ये इंडिविजुअल है, हम इफ में इसको मर्ज करते हैं। तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर को लगाने का चीजें समझा, दूसरा आप इफ के फंक्शनलिटी को समझा। इफ अगर आप लगाते हो तो इफ को क्या चाहिए, चाहिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो इस ट्रू वाले पार्ट को शो करेगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाले पार्ट को शो करेगा। तो प्रश्न जी, अजीत जी, विक्रम जी और बाकी लोग जो भी है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल सर, यस सर, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ओके जी सर। अब यहाँ पे हम कुछ इफ के एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे पहले कुछ नेम लिखते हैं, जिसमें पूजा लिखा और हम ड्रैग कर दिए। यहाँ देखिए बाकी हमारे नाम आ गए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई पूजा लिखते ही यहाँ पे बाकी लोगों का नाम कैसे आ गया। जो लोग हमारी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं उनके लिए, तो हमारी बेसिक एक्सेल में ये चीज कवर की गई है कि फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर हमें
एडवांस के अंदर आप जाएंगे तो नीचे आता है हमारा कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। इसमें न्यू लिस्ट पे जाके आप अपने लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पूजा और बाकी लोगों का क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं अपनी शॉर्टिंग स्किल से। इसको मैंने लिया कस्टम शॉर्ट, माय डेटा एज ए हीडर और नेम के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट कर दिया अल्फाबेट। शॉर्ट करने का बेनिफिट क्या हुआ कि नाम जो इधर उधर थे वो सब इकट्ठा होकर एक जगह आ गया, ठीक है। तो यहां पे मुझे करना क्या है, यहां पे मुझे करना है कि यहां पे शो करना है कि अगर नाम डुप्लीकेट है तो जैसे कि पहला नाम आया तो यहां पे यू आ जाए और बाकी जो नाम्स है उसमें डी आ जाए, फिर जैसे यहाँ यू हो जाए, ताकि मैं इसमें से क्या है एक नाम कई बार रिपीटेड है तो मैं सिर्फ सिंगल नाम को मैं जब फिल्टर करूँ यू को तो मुझे कविता एक ही बार फिल्टर हो, मोनी फिल्टर हो, डीरेस एक ही बार फिल्टर हो, ताकि हम हेड काउंट लगा सके कि आखिर कितने पर्सन है। तो करना क्या है समझ में आ गया आपको अजीत जी, समझ में आया? हाँ, पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है फिर सॉल्यूशन समझ में आएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि हाँ, पहले नाम जो नाम का पहला नाम हमें विजिट होगा उसको हम डी लिख देंगे, उसके बाद जितने भी नाम सॉरी यू लिखेंगे पहले को और बाकी जितने नाम है उसको डी लिख देंगे, मतलब ये डुप्लीकेट की कैटेगरी में ये यूनिक है, ताकि मुझे अगर हेड काउंट निकालना होगा तो यू से फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं इफ का कि इफ अगर ए वैल्यू आपस में बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से, ठीक है, ए टू इज इक्वल टू ए वन, ऐसा अगर है तो यहां पे डी आए अदरवाइज यू आए, ठीक है। ए टू इक्वल टू ए वन तो यहां पे डी आए अदरवाइज यू आए, यहां पे देखिए U आपको आ गया, ठीक है। और फिर इसको नीचे ड्रैग कर दे और हम फॉर्मूले की प्रॉपर्टी को जानते हैं कि अगर A2 है अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो A2 जो है D2 और C2 हो जाएगा। तो कंडीशन देखिए एक बार और समझ लीजिए, हमने बोला कि सामने वाले वैल्यू अपने ऊपर वाले वैल्यू के बराबर है तो यहां पे डी शो होना चाहिए, बराबर नहीं है तो यू शो होना चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, कविता और नेम बराबर तो नहीं है इसलिए यू शो हुआ, बट यहां कविता और कविता आपस में बराबर है तो यहां पे डी शो किया और ये डी कंटिन्यू चला, फिर यहां देखा मोनी और कविता आपस में बराबर नहीं है तो ये हुआ। आया समझ में सर? सर हेलो सर, हाँ बोलिए सर, ये सीक्वेंस में लेगा या कहीं भी कविता मान लीजिए जगह हम नीचे भी रखेंगे? अच्छा, तभी फाइंड कर पाएगा, उसके लिए काउंट इफ लगेगा जो कि हम आगे बताएंगे। क्या सर की लंबी तरीका धीरे धीरे बताएंगे ना सर, ठीक है ना, एक बार में सब कुछ सीख जाएंगे तो सर गुरु गोबर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, इस बार मुझे यू नहीं करना है, इसको भूल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर देना है कि 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4, अगर 3 है तो 3, मतलब जितना नंबर्स है उतना। वैसे मान लीजिए कि नीरज आप लोग सोच रहे होंगे 4 है तक देना, नहीं मोनी है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1, तो मुझे इससे पता चलेगा कि कौन नाम कितना बार रिपीटेड है, समझ गए?
तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो, अदरवाइज वन से नया काउंट स्टार्ट कर दो। मतलब कि नाम दोनों आपस में बराबर नहीं है तो एक से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, बराबर है तो ऊपर वाले में एक जोड़ के काउंट को सिक्वेंस को आगे बढ़ा दो। इसने सही किया और यहां पे हमने इसको ड्रैग करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। आप लोगों को अगर समझ में ना आए विक्रम जी आदिनाथ जी तो आप लोग बोल सकते हैं रिपीट करने के लिए। नहीं सर ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है सर, फिर से बोलिए सर, पहचान बोल रहा हूँ, बताइएगा फिर से इसको। बेसिकली हमने क्वेश्चंस लगाए कि हमने बोला कि सामने वाली वैल्यू अगर अपने ऊपर वाली वैल्यू मतलब कि A2 is equal to A1 दोनों आपस में बराबर है तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज काउंटिंग वन से स्टार्ट करे। यहाँ पे कविता और नेम आपस में बराबर नहीं हुए तो ये ट्रू पार्ट को नहीं ये फॉल्स पार्ट को शो किया वन को, बट यहाँ इसने देखा कविता और कविता आपस में बराबर है तो यहाँ पे C2 plus 1 मतलब कि 1 plus 1 equal to 2 शो किया। अब आ गया समझ में सर? सर हाँ, अगर हम इस जगह पे ये C2 plus 1 करके को बाद में लिख दें और पहले 1 कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत क्यों नहीं है, कंडीशन जैसे है। कंडीशन आप देखिए, कंडीशन क्या लगाया हुआ है, इक्वल होने पे क्या हो नहीं, क्या नो इक्वल ना होने पे क्या हो। आपने जो बोला था मैं उसी को आगे बता रहा हूँ, जैसे A2 इक्वल टू A1 कोमा 1 और कोमा C2 प्लस 1 कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर? ये क्यों नहीं होगा, आगे पीछे लिख दें। हमने क्या लिखा हुआ है कि A2 इक्वल टू A1 मतलब आपस में बराबर हो तो सीरियल नंबर को कंटिन्यू करे, वरना वन से स्टार्ट करे। तो अगर आप इसको को यहाँ रख दें, आप ही बोल रहे कि मैं इसको यहाँ रख दू और इसको यहाँ रख दू, C2 plus 1 कर देते हैं तो क्या होगा सर? तो यहाँ पहले में तो आपको वन ही आएगा, लेकिन जैसे आप ड्रैग करेंगे वहां भी वन आएगा। यहाँ पे A3 इक्वल टू हो तो वन दे तो जहाँ कहाँ जहां जहां डुप्लीकेट होगा सब जगह वन दे देगा, और जहां पे डुप्लीकेट होगा एक बार ड्रैग करके देखेंगे, एक बार ड्रैग करके देखेंगे, देख लिया लीजिए, और जहां पे इक्वल नहीं होगा वहां पे टू आएगा। ओके यूनिक पे टू दिखाएगा, अगर हम आगे पीछे कर देंगे। अगर आपको चाहते हैं कि आगे पीछे मतलब कि ये करना मतलब कि हम कंडीशन स्वेप करना तो फिर यहाँ पे कंडीशन को भी अपोजिट करना होगा। जैसे यहाँ पे इस करने के लिए कंडीशन को लगाना होगा नॉट इक्वल टू A2, अगर नॉट इक्वल टू A1 है तो वन शो करे, अदरवाइज C1 में प्लस वन कर रहे। तो अगर आपने कंडीशन को अपोजिट कर दिया तो आपका सही रिजल्ट आएगा। मतलब सीधा है लॉजिकल जो एरर है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसी के ऊपर कहानी है और एक उसकी सीक्वेंस में ही फॉर्मूला लगना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि भाई आपको नेहरू प्लेस जाना है और आपको लैपटॉप खरीदना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, लैपटॉप खरीदना है और लैपटॉप नहीं खरीदना है। तो मैंने बोला लैपटॉप खरीदना है, अगर अगर लैपटॉप की कीमत 25,000 है तो खरीद लेना, अगर नहीं है तो मत खरीदना। तो आपके पास खरीदना और न खरीदना क्या है, दो कंडीशन हो गए और 25 दो काम हो गए। दोनों काम में से आपको कोई एक काम करना है और काम करने का कंडीशन यह है कि 25,000 लैपटॉप की प्राइस, 25,000 से नीचे लैपटॉप की प्राइस होनी चाहिए। तो आप नेहरू प्लेस के दुकान में जाकर पूछोगे तो भैया आपके लैपटॉप की प्राइस क्या है, वो बोलेगा 26,000। तो आप चेक करोगे मुझे तो 25,000 का आ गया है कंडीशन, मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हमें लैपटॉप नहीं खरीदना है। अगर वो 24,000 बताता है, 24,500 बताता है तो आप अपने कंडीशन को प्रोसेस करोगे। अगर आप एक रोबोट हो तो क्या करोगे आप कि 25,000 से नीचे है तो खरीद लेते हैं। जी जी सर,
तो सेम काम यहाँ होता है कि आपने कंडीशन दिया कि भाई एक काम करना है और एक काम नहीं करना, मतलब तो दो काम करना है भाई, मुझे यहाँ पे वन देना है और वन में प्लस वन, ऊपर वाले में प्लस वन करना है। कंडीशन क्या है कि दोनों बराबर नहीं है तो वन दो, बराबर है तो वन सी प्लस वन कर दो। तो जो कंडीशन दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करेगा फंक्शन। अब इस अगली कहानी है कि मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर मैंने वन से स्टार्ट किया, तो बोले सीरियल नंबर लिखने में क्या, तो इसमें इसमें क्या कायस्तानी, हम लिख के सिलेक्ट के ड्रैग कर देंगे क्या। तो मैं चाहता हूं सीरियल नंबर देना कि मैंने डी टू पे अगर मैंने फाइव लिखा तो मेरा सीरियल नंबर फाइव तक ही बनना चाहिए। मैं सीरियल नंबर 15 लिखा तो मेरा सीरियल नंबर 15 तक हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। समझ गए सर? जी सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए इसके लिए हम इसमें पहला वन तो ठीक रख देते हैं क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रही है सीक्वेंस वो तो पता होना चाहिए ना। सर रिकॉर्डिंग अलाउ कीजिए ना। क्या रिकॉर्डिंग? एक मिनट, प्रशांता जी आप लेट क्यों आते हैं? नहीं मैं ज्वाइन किया हूँ, रिकॉर्डिंग अलाउ कीजिए। नहीं मैं जब क्लास स्टार्ट करने से पहले सबकी रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी थी सर। चलिए तो यहाँ पे मैं देता हूं कि इफ अगर अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करता, मतलब कि मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाने वाला सीक्वेंस अगर ग्रेटर देन हमारा मैक्सिमम नंबर है तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक कर देना। इस ब्लैंक का मतलब क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं, समझे? जी सर। इसे सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक कर देगा, अदरवाइज ए ए वन में प्लस वन करें। कंडीशन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें आप लोग। ए फाइव प्लस वन मतलब कि जहां सीक्वेंस हमने बढ़ानी, जो सीक्वेंस देना है वन प्लस वन इक्वल टू इन वन प्लस वन अगर वो ग्रेटर देन 15 है तो ब्लैंक कर दें, अदरवाइज वन प्लस वन को रहने दें, ठीक है। लेकिन इसमें डी टू को नीचे अगर आप ड्रैग डायरेक्ट करते हो तो एक दिक्कत है कि डी टू जो है वो डी थ्री बन जाएगा, तो यहाँ पे डी टू को फिक्स करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू डाल देंगे नहीं, एफ फोर मतलब कि डॉलर साइन लगा आप सलूट करेंगे या फ्रीज करेंगे। सॉरी सर, F4 अच्छा, के साथ डॉलर लगा के इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कर दें, एब्सोल्यूट रेफरेंस करेंगे या फिर फ्रीज करेंगे, करेक्ट, ताकि जब हम नीचे ड्रैग करें तो हर सेल में D2 हमारा फिक्स रहे, फ्रीज वो इंक्रीज ना हो। अब मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, 15 आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं 5 करता हूँ तो 5 आता है, 10 करता हूँ तो 10 आता है, 15 करता हूं तो 15 आता है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि बाकी जगहों पे एरर आता है। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी सर, एक हिमांशु जी है जो कि आज से ज्वाइन करने वाले थे, मैं भूल गया था। तो पहले हम इस चीज को जानते हैं कि ए वैल्यू का एरर आया क्यों। तो प्रशुन जी ये बता सकते हैं, सॉरी अरुण जी माफ कीजिए, प्रशुन तो सुबह में, अरुण जी एरर का फॉर्मूला लगा देंगे,
वो तो लगा है पहले तो समझिए कि एरर आया क्यों, आप बीमार पड़ गए, सर दर्द कर रहा है तो आप चलो यार डिस्पिन खा लेता हूँ, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि सर दर्द क्यों हो रहा है मुझे। अच्छा सॉल्यूशन जरूरी है, उससे उस प्रॉब्लम का सोर्स, समझ गए सर। एक्चुअली वो 20 वाला सेल ब्लैंक है जिसके चलते वो एरर आया था। ब्लैंक होने से एरर आना तो अलग बात है, क्योंकि मैं ये भी तो ब्लैंक है, इसमें प्लस वन करता हूँ तो कहाँ एरर आ रहा है, बट यहाँ एरर आ रहा है। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, वहां पे कंडीशन 15 दिया हुआ है। कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये चीज को जानिए, सबसे पहली चीज जानिए कि फॉर्मूले में या फिर वीवीए में इन्वर्टेड कॉमा के आगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या इन्वर्टेड कॉमा दिया है, इसका मतलब है कि वो सेल टेक्स्ट है। समझे? ठीक है, सही है। है तो ब्लैंक ही, लेकिन सिस्टम उसको एबीसीडी की कैटेगरी में रखा है, और एक्सेल कहता है कि एबीसीडी की कैटेगरी में रखी गई सेल पे हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करें, तो इस कारण से एरर आ रहा है। बात समझ में आया सर? सर दोबारा बताएंगे प्लीज। सिंग इन इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन मार्क लगने से एक्सेल जो है किसी भी रूप में अगर किसी भी फॉर्मूले में आकर इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, वो टैक्स का सिंबल होता है, वो टैक्स सेल्स टैक्स फॉर्मेट में उसकी प्रॉपर्टी टैक्स में समझ जाती है। हर सेल की एक स्टोरेज प्रॉपर्टी होती है, नंबर एंड टेक्स्ट, समझ गए? जी जी। कोड लगाने से उसकी उसकी स्टोरेज प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और टेक्स्ट में चला जाता है, और एक्सेल कहता है कि जिस सेल की स्टोरेज प्रॉपर्टी टेक्स्ट है उस पे हम किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो जब बट यहां पे ब्लैंक आ रहा है, वहां पे रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा लगने से इसमें जो है आपका A20 टेक्स्ट हो गया। अब A20 प्लस वन करने पे यहाँ पे एरर आता, क्योंकि A20 प्लस वन नहीं हो सकता क्योंकि वो A20 टेक्स्ट है, समझ गए जी। इसकी जाति इसने अपनी पार्टी वैल्यूज कैसे हटेंगे सर आगे की है, कांग्रेस है। बोल रहे हैं कि एक बीजेपी में चला गया या कांग्रेस बन गया, आप इसमें से बोल सकते हैं यार, एग्जांपल तो बहुत है, सिंपल समझो ना सर। देखिए सिंगल कोट लगा के आप अगर लिखते हैं ना, ये नंबर दिख रहा है ना, बट यहाँ लिखा हुआ है नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, एबीसीडी हो गया। अब इस पे मैं अगर सम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो रिजल्ट जीरो आएगा, लेकिन वही मैं यहाँ पे 1254 लगाता हूँ और इसमें मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो रिजल्ट आ रहा है, समझ गए? बराबर सर। तो सेम यही है कि इसको जब प्लस वन कर किया जा रहा है तो प्लस वन में उसको मिल रहा है इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक द जीरो, इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। छोटी सी बात है, इसको लंबा कीजिए आपने सर। तो इससे बचने के लिए, मतलब कि इसको ब्लैंक शो करने के लिए, हम इफ एरर लगाते हैं। इफ एरर एक फॉर्मूला है लॉजिकल कैटेगरी का ही, जो कि आपको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई एक फॉर्मूला एरर दे रहा हो और उस एरर के जगह पे कुछ और शो करना, जैसे कि यहाँ पे इस जो इफ का फॉर्मूला है वो एरर दे रहा है, तो इस एरर वाले जगह पे हमने ब्लैंक शो करना है, तो हमने यहाँ पे इफ एरर लगाया कि इफ एरर के पहले पार्ट में हमारा इफ का फॉर्मूला और दूसरे पार्ट में हमारा ब्लैंक का फॉर्मूला, तो यहाँ पे एरर नहीं आया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ जो एरर आया तो इसने इसको ब्लैंक शो कर दिया, तो आपको भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 करूँ ऐसा लगेगा 10 तक का सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, 5 को तो 5 तक का हो रहा है और 20 करूँ तो 20 तक का हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, मस्त।
लेकिन मैं चाहता हूं यहां पे मिनिमम कि मैं चाहता हूं कि यहां पे 15 से 20 का सेल बने, 1 से 20 तक नहीं बने। तो इसके लिए सिंपल जो मैनुअल हमने 1 लिखा है उस मैनुअल 1 को इससे सिलेक्ट कर देना है। तो ये 15 से 20 हो गया। मैं अगर 15 से 25 करूं तो 15 से 25 हो जाए, अगर मैं 7 से 25 करूं तो 7 से 25 हो जाएगा, 10 से 25 करूं तो 10 से 25 हो जाएगा। अब ये जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आप ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेशन करोगे तो वहां पे आपको ऐसा होगा कि मुझे कौन रिपोर्ट किस पीरियड का चाहिए, तो आप उस पीरियड का रिपोर्ट जनरेट करोगे, वहां पे ये चीज आपको दिखेगा। ठीक है सर? जी सर। ओके सर। इज यू गुड आउट? नहीं सर। सर मिनिमम का फॉर्मूला दोबारा बताएं कैसे लगाया था? पहले जहाँ वन मैनुअल वन लिखा हुआ था ना, वहां पे मैंने उसको सेल का एड्रेस दिया बस। अच्छा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें एक मान लेता हूं, हमने क्या सीखा? हमने पहला सीखा कि हम लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, और फिर हमने आपको एग्जांपल दिया, दो एग्जांपल दिए। और फिर हमने आपको यहां पे तीसरा एग्जांपल दिया। ठीक है, अब एक चीज और हम आपको बताते हैं कि अगर आप लोगों ने पिवट टेबल यूज किया होगा, पिवट टेबल अगर आपने यूज किया होगा तो यहां पे आप ओके करें। और मैंने मान लीजिए कि मैंने दो चीज के रिपोर्ट बनाया, मैंने मंथली रिपोर्ट बनाई और मंथ के नीचे मैंने सिटी दे दिया, और फिर हमने मान लीजिए कि इस पे ओवर टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपको देखिए जैन मतलब कि मंथ और एक ही सेल में है, एक ही कॉलम में, जिसे कॉपी करने पे दिक्कत हो जाएगी रिपोर्ट में। तो हम लोग पिवट टेबल ऑप्शन पे जाते हैं और हम लोग कर देते हैं यहाँ पर डेटा विजुअल में डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, जो कि अलग अलग दिख जाता है, बाद में टोटल शोटल दिखा देते हैं। तो इस तरह का रिपोर्ट हमारा बनता है। तो क्या होता है कि इस रिपोर्ट को अगर लेके हम कहीं और जाते हैं और इसको कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, मान लीजिए यहीं पे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वेल पेस्ट, तो हमें जरूरत पड़ती है कि भाई जैन को इस तरह से रिपीट कर ले ताकि हम लोग फिल्टर वगैरह लगा सके या फिर समीप के फॉर्मूला। तो ये दो चार है तो आप मैनुअल कर लोगे, लेकिन जहां पे दो चार सौ हुआ तो वहां दिक्कत होगा ना सर। तो अगर आपके पास पिवट लेटेस्ट कैटेगरी का है जैसे कि 2013-16, तो आप उसके डिजाइन में जाके आप यहीं पे कर दीजिएगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, तो रिपीट हो जाएगा। लेकिन आपका पास 2007 है, उससे लोअर वर्जन है, उस समय इसको इस तरह से आपको चाहिए तो कैसे होगा? तो उस केस में हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसी को सिलेक्ट करो, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन, ऊपर वाले वैल्यू को शो करो। हमने बोला कि ग्रेटर देन जीरो हमने क्यों किया, क्योंकि ब्लैंक सेल जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो मतलब कि कुछ डला हुआ है, तो सामने वाली सेल वैल्यू में कुछ डली हुई है वैल्यू, कुछ भी नाम डला है तो उसी को शो करो, अदरवाइज जहां फॉर्मूला लग रहा है उसे अपने ऊपर वाले वैल्यू को शो कर। समझ गया सर? इसको नीचे तक ड्रैग कर दो एंड कॉपी एंड वैल्यू पेस्ट हो गया। अब बिहारी जी 5 मिनट भेज रहा हूँ, क्लास जस्ट खत्म कर रहा हूँ।
ठीक है सर। एक और जो काफी ज्यादा आए है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कोई मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, कोई भी डेटाबेस जैसे कि आईडी, नेम और भी बहुत सारी चीजें होगा, तो हम लिखते हैं कि भाई आईडी कर दीजिए या सीरियल नंबर कर जाएगा, वन फिर नाम आपने लिखा पूजा, टू फिर नाम लिखा आपने इंदर, थ्री इस तरह से आप लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट, जैसे मैं यहाँ पे नाम कोई लिखा, मैंने लिखा ओम, ये ऑटोमेटिकली टू यहाँ लिखा हुआ आ जाए, समझ गया। देखिए मेरा सीरियल नंबर कब जनरेट हो, जब हम बी कॉलम में कोई वैल्यू डालें, तो इक्वल इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन प्लस कर दो, अदरवाइज ब्लैंक कर दो। तो हमने क्या रिजल्ट दिया कि बी थ्री इज ग्रेटर देन, अपनी सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कोई टेक्स्ट डला हुआ है, तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो, राइट। और फिर हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, फिर यहां पर हम लिखते हैं इंदर कविता ठीक है। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर मैंने एक सेल छोड़ा और यहां पे मैंने कर दिया नाम कोई, तो एरर आएगा, समझ गए। मैं चाहता हूं छोड़ा तो यहां पे सिक्स आ जाना चाहिए ना, प्रॉब्लम वही है जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, टेक्स्ट कोई प्लस वन नहीं हो सकता। तो उस केस में हमारे पास एक और तरीका है, वो है मैक्स का। हमारे पास एक मैक्स का फॉर्मूला होता है, तो मैक्स का फॉर्मूला अगर पूरे सेल में आप लगा लेते हैं, तो टेक्स्ट वैल्यू से टेक्स्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम नंबर आपको दे देता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, यही चीज को अपनाया कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो मैक्स अपने ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करो, अदरवाइज ब्लैंक करो। तो सी वन से सी वन है, अब इसको हम अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सी टू से सी टू हो जाएगा। तो ऐसा ना करके हम इस सी वन को फ्रीज कर देते हैं कि पहला सी वन फिक्स होगा, जब मैं इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सी वन से सी टू होगा, समझ गए। ऐसे सी टू सी फोर सी फाइव इसी तरह से आएगा। अब मैं यहां पे कोई भी अगर यहां पे मान लीजिए कि एक लेटर छोड़ के अगर कोई नंबर लिखा तो ये सिक्स बन जाएगा। तो मैथ्स वाला मेथड क्लियर है जी सर? जी हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने आपको इसके कुछ एग्जांपल बताए, अब आप लोग अपने तरीके से इसके एग्जांपल को रिसर्च करें, मैं फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ। यस सर। और मुझे जो है आप इफ ए कंडीशन बताए, तब मैं आपको कल बताऊंगा इफ के साथ एंड और नेस्टेड इफ, मतलब कि एक मोर देन वन कंडीशन से इफ में कैसे फॉलो करोगे। आज तो आपने देखा कि एक ही कंडीशन हम फॉलो कर रहे थे, कल हम बोलेंगे एक से ज्यादा कंडीशन के बारे में, राइट जी सर। समझ गए जी सर। मिलते हैं कल सेम टाइम। यस सर। हेलो हेलो सर, एक चीज पूछना था सर। पूछिए सर। जो एक्सेल शीट है सर, बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे डालते हैं सर? सर वो जो कि कोई भी नया एक्सेल खुले तो वो बैकग्राउंड पिक्चर आया सर। बैकग्राउंड ऊपर होता है मेनू में, हमने वीवी इस्तेमाल कर रखा है।
ठीक है ना, कह रहा सर पास का वाटर मार्क होना चाहिए ना, इसलिए हम डाल देते हैं ताकि फील हो आप लोगों को। तो बेसिकली वो तब डालते हैं जब हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाती है। यूट्यूब पे कब जाती है रिकॉर्डिंग, जब हमारे बैच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इनरोल नहीं किया होता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते मोबाइल फोन से ज्वाइन करने का, इसलिए मैं उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो वीवीएम को प्रोग्रामिंग से हमने कर रखा है कि जब सीट पे पेज आपको इसमें पेज लेआउट के अंदर में बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है जिससे आप किसी पिक्चर को बैकग्राउंड में रख सकते हो, वो हर पिक्चर में बैकग्राउंड दिखे, इसके लिए मैंने वीवीए कोडिंग कर रखा है, वो भी सब सिखाऊंगा आपको, पेशेंस साथ में रहेंगे तो सीख जाएंगे। हाँ सर, ओके सर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।